हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल सृष्टि किचन में। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे छोला। तो छोला बनाने के लिए हमें जो सामग्री चाहिए उसको हम देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, चने में बेकिंग पाउडर और नमक डालकर इसको अच्छे से उबाल लिया था। 5-6 सीटी आप लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं अच्छी तरह से पका हुआ है। और प्याज, टमाटर, अदरक, मिर्ची और यहाँ पे मैंने गरम मसाला लिया है। छोले बनाने के लिए हमें प्याज, टमाटर इन सबको ग्राइंड करना पड़ेगा। तो चलते हैं इसको ग्राइंड करने। तो फ्रेंड्स, अब मैं चल रही हूँ प्याज को ग्राइंड करने। प्याज को अलग ग्राइंड करूँगी और टमाटर को अलग। दोस्तों, यहाँ पे सारे मसालों को मैंने ग्राइंड कर लिया है। अब इसमें छोला मसाला डालेंगे 1 स्पून, उसके बाद इसमें हम लाल मिर्ची डालेंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट है, टमाटर की ग्रेवी, ये प्याज का पेस्ट है, इसमें गरम मसाले और छोले मसाले। तो दोस्तों, अब चल रहे हैं बनाने। तो दोस्तों, तेल हमारा गरम हो चुका है। अब इसमें जीरा डालेंगे। अब इसके बाद हम इसमें प्याज डालेंगे। प्याज को अच्छी तरह से पका लेंगे। इसके बाद इसमें टमाटर। तो फ्रेंड्स, इसी पॉइंट पर हम गर्म मसाले भी डालेंगे। लौंग, एक बड़ी इलायची और ये लकड़ी। अब इसको भी हम साथ में भूनेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप गर्म मसाले इसमें ऐड करते हैं तो इससे फ्लेवर छोले का काफ़ी अच्छा आता है। तो फ्रेंड्स, प्याज हमारा अच्छे से पक गया है। और इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। तो फिर इसमें टमाटर की प्यूरी भी डालेंगे। तो फ्रेंड्स, मसाला हमारा अच्छे से पक चुका है। अब इसमें हम चने डालेंगे। तो दोस्तों, अब इसमें हम चने डालेंगे और इसके बाद इसमें पानी डालेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे पानी और चाय पत्ती को मैंने उबाल लिया है। इससे जो है छोले का कलर काफ़ी अच्छा आता है। तो फ्रेंड्स, अब इसमें हम नमक डालेंगे यहाँ पे 1 स्पून और 1/2 स्पून। तो फ्रेंड्स, छोला बन के रेडी हो चुका है। उसके बाद हम इसमें हरी धनिया डालेंगे। तो सबको अच्छे से मिक्स करेंगे।
तो फ्रेंड्स छोला बनके यहाँ पे रेडी हो गया है। ये खाने में काफ़ी टेस्टी है, आप बनाइएगा ज़रूर। अगर आपको पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।